अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी। आयो थारे बारने, क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले सुधारने। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा, इतरो मत बन मुंजी, और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, हरी पूजा आरती में विघ्न करूला, मर जाऊला, लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो। कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया, मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने, तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है, और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में, समुद्रिया में कूद पड़ो। क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है।
बोले तेरी बात सुनी अजमल ने समदरिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे हो अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुने तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में बोले भगवान वो कई बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना अरे बड़ो विरम दे वेला अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की जय अजमाल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया घरों सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमाल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा
खम्मा खम्मा हो कवरी अजी माल राय खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी हो गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी रे अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरज भरी लाडा बालिका नात्री लीला देखी राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी ओ गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी ने ओ पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुड़ा पगला मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई दो दो बाण की देख पालनिए मेणा दे शंका लाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो जो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैयारी शंका ने मिटी दूध उफण तो लियो लीला दे
सदो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो। खम्मा घनी घनी खम्मा राजा